नाम मोनू है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट किया था, सर आप लो की एक ट्यूटोरियल बनाइए। तो चलिए दोस्तों, लो का पहला डेमो देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आपने डेमो देखा, चलिए बताते हैं होगा कैसे। हम लोग पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें लो में करना क्या होगा, कोशिश करें कि पहले हमें बिल्ला जंप आना चाहिए, जिसे किकअप कहते हैं। तो चलिए एक डेमो पहले उसका दिखा देते हैं। दोस्तों एक ये नॉर्मल से किकअप है, ये आना चाहिए और आपको एक स्ट्रेट किकअप आना चाहिए। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों इसे स्टैंडिंग किकअप भी कहते हैं। तो इसका ट्यूटोरियल आप चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने लो के पहले स्टेप की ओर। ये दो चीज़ आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको थोड़ा आसान हो जाएगा करना, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आसानी से धीमे धीमे करेंगे आ भी जाएगा। तो ठीक है, हमें कोशिश क्या करना है कि हमें बिल्ला जंप आता है किकअप, तो उसी में हमें ऐड करना होगा लो को। तो ठीक है, चलिए हम इसकी बेसिक कुछ चीज़ें हैं उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं आराम से पहले अपने हिप पे ही गिरने की कोशिश किया। ठीक है, अभी हमें धीमे 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 सर तक जाना होगा। तो इसलिए कोशिश करें आराम से करें, जैसे आपको चोट न लगे। आपके पास गद्दा है तो आप कोशिश करें कि तेज़ी तेज़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। तो चलिए हम ध्यान से दिखाते हैं, अभी तक हम इस पर गिर रहे थे, अब हम कोशिश करेंगे कि अपने पीठ पर गिरें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं होगा कैसे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडी है, हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने देखा कितना आराम से मैं अभी तक पीठ पे गिर रहा था, तो चलिए एक मैं आपको सर तक गिर के दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने देखा अभी तक हम पीठ पे गिर रहे थे, हम सर पे गिर रहे हैं। दोस्तों आपको इतना करने में दिक्कत हो रही है तो एक मैं फ्लो बता देता हूँ, इसको फेंकने में आपको डर नहीं लगेगा। तो चलिए उस फ्लो को भी देख लेते हैं। पहले एक बार मैं इधर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों आप यहाँ रहते, मैं ऐसे खींचता हूँ, ऐसे ही फेंकता हूँ, वही पिकअप की पोजिशन है। तो आप ऐसे के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। इधर से देख लेते हैं, दोस्तों ये आपको बैक हैंड इसमें भी बहुत मदद करेगा। ठीक है, जो मेरे ट्यूटोरियल देखते होंगे उन्हें मालूम होगा कि इसको मैं हर अपने ट्यूटोरियल में बताता ही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ तक आ गया, तो कोशिश करें कि जैसे बहुत लोग करते हैं, तो मुझसे काफ़ी मेरे स्टूडेंट भी मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा सर डायरेक्ट गिरता है तो झटका खाता है, तो इसके लिए हमें कोशिश करें हाँ को तेज़ी से फेंकें। तो एक मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा पहले हाथ पड़ता, उसके बाद ये सब पूरे शरीर गिरती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग खट से यही गिराते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाथ को फेंकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, मैं अपने हाथ पे ही रोकता हूँ पूरे शरीर को। ठीक है, पूरे वेट को क्या करता हूँ, हाथ पे रोकता हूँ। तो आप भी ऐसे कोशिश करें अपने हाथों पे रोकने की। ठीक है, धीमे धीमे करें, इसको गिराया जाता है, अपने हाथों को पहले गिराया जाता है, उसके बाद उसको आराम से रखा जाता है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा हाई भी फेंकूंगा, अपने हाथों को फेंकूंगा, पहले मेरे हाथ पड़ेंगे, उसके बाद ये या सर या ये जो भी रखना चाहूँगा वो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार हाइट से और हाथ को फेंक देते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले मेरे हाथ ही पड़े। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आसानी से आएगा और झटका भी नहीं लगेगा। तो चलिए एक अब हम यहाँ तक हमें आ गया हो तो अब एक पिकअप मारें। ठीक है, लो के साथ एक किकअप मारें। तो ठीक है, एक किकअप को ही हमें जोड़ना है इस लो में, जो भी आपने सीखा। तो इतना आ गया हो तो चलिए किकअप जोड़ के दिखाते हैं। पहले हम खुद ही डेमो आपको दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से करें, कोशिश करें कि देखिए अभी तक हमने आपको जितनी बार भी दिखाया
नफी वाड़ी छोड़ दे रहा था, न सर पे लड़ने दे रहा था, न झटका खा रहा था, आराम से गए। ठीक है, आए आराम से, पैर आने दीजिए जितना हो सके, उसके बाद आराम से ठीक है। ठीक है, एक बार मैं आपको दो पिकअप करके साथ में दिखाऊंगा, ठीक है, लोग के साथ। दोस्तों मैंने दो से ज़्यादा दिखा दिया, क्योंकि आपको बताना है इसलिए मैंने सोचा है कि बाद में दिखा दूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और समझ सकते हैं आप कैसा यहाँ का माहौल ये। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या है, हमें देखना है आराम से बॉडी को आने देना, उसके बाद झटका देखे फिर करें। हमारी जो पोजिशन आती है, देखिए जब हम पिकअप मारते हैं तो हम इस पोजिशन पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हमें यही से अपने हाथों को दोबारा फेंकना होता है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा कठिन होता है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। एक तो कर लेंगे आप, लेकिन आने के बाद यही से दोबारा फेंकना, क्योंकि यहाँ ताकत नहीं रह जाती, एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको ये बताते हैं, इसलिए मैंने 3-4 बार कर दिया आपको। ठीक है, कि कैसे यहाँ ताकत लिया जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, एक मारूंगा यहाँ पे आके रुकूंगा, वहीं से बिना कोई ताकत के वहीं से फिर फेंकूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, दोस्तों इतना में आया। ठीक है, हमें यहीं से दोबारा फेंकना होता है, कोशिश करें कि जितना पैर थोड़ा गैप रहे उतना अच्छा रहेगा, पास रहेगा तो आप फेंक इतना अच्छा नहीं पाओगे, तो गैप रहना बहुत जरूरी है। हमारी पोजीशन नहीं आई, हमें यहीं से फिर फेंकना है। ठीक है, हमारे हाथ ये थे, कोशिश करें हल्का बैठ के यहीं फिर फेंकें। चलिए मैं यहीं से फेंक के दिखाऊंगा, जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे। ठीक है, चले देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यही पोजिशन है, यह इसमें फिर फेंकता हूँ इस बार। शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से आ जाता है वहीं से फेंकना, आराम से जल्दी आए ना। बहुत सारे लोग होते हैं लेके खड़े होते हैं तब फेंक पाते हैं, डायरेक्ट फेंकने में डर लगता है। तो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको बहुत ज़्यादा करें। तो शायद मेरे व्यूअर्स ने मुझसे ये कमेंट किया था कि लोग का टुकड़े बनाइए, तो मैं बना नहीं पा रहा था, लेकिन आज समय निकाल के बनाया है। तो दोस्तों तो चलिए लास्ट बार लोग कर देते हैं, 3-4 बार मैं करके दिखा देता हूँ, आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा घर पे। आपको 2 बार आ जाता है, समझ लीजिए 3 बार करिए, वो आपके ताकत के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए लास्ट बार देखिए। ठीक है दोस्तों, आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो में कहीं दिक्कत लगे तो आप इस जगह को ज़रूर देखिएगा, इस ज़मीन को ज़रूर देखिएगा, उसको सोच समझ के कोई कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।